एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस। अरे बस हुसैन, हम दोनों से महीने भर की एक्सरसाइज लग रहा है, आप आज ही करवाएंगे, रुक ही नहीं रही आपकी ट्रेन। वैसे हुसैन, आज आप हमारा ये टेस्ट क्यों ले रहे हैं? देखिए श्रुतिका और ज्योत्सना, मैं कोई टेस्ट नहीं ले रहा हूँ, मैं तो आप दोनों के जरिए बस अपने दर्शकों को, लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी करना, उसके लिए वक्त निकालना इतना भी मुश्किल काम नहीं जितना लोगों ने बना रखा है। खासतौर से वो लोग जो बिल्कुल भी पसीना नहीं बहाते, उन्हें आज से ही अपने लिए वक्त निकालने की जरूरत है। वैसे ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि एक्सरसाइज करके ही हड्डियां और जोड़ों को मजबूत बनाया जा सकता है, और ये जरूरी भी है क्योंकि जब हड्डियां और जोड़ होंगे दुरुस्त, तभी तो हमारा शरीर बनेगा तंदुरुस्त। बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो लोग दिल्ली एनसीआर की जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर हैं, उन्हें तो खास तौर पर जॉइंट्स बोन हेल्थ का ख्याल रखने की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि लेटेस्ट स्टडी ये बता रही है कि लगातार प्रदूषण में रहने से हड्डियां कमजोर हो रही हैं, आर्थराइटिस की बीमारी लग रही है, और रिपोर्ट्स ये भी बता रही है कि पोल्यूशन से 20% लोगों में ऑटो इम्यून की बीमारी ट्रिगर होती है। आर्थराइटिस से परेशान लोगों के जोड़ों में दर्द, जकड़न और सूजन बढ़ने लग जाती है। दरअसल हवा में मौजूद छोटे कण सांस के जरिए ब्लड में घुल जाते हैं, और जब इसका पता इम्यून सिस्टम को चलता है तो फिर वो फौरन एलिमेंट समझकर उन पार्टिकल्स पर अटैक करता है। इनसे लड़ने के लिए एंटीबॉडीज भी बनाता है श्रुतिका, और ये एंटीबॉडीज जोड़ों के और हड्डियों के सेल्स पर अटैक करती हैं, जिसकी वजह से जोड़ों में दर्द और साथ ही गठिया का खतरा बढ़ जाता है। तब तो ये परेशानी कम होने वाली नहीं है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर का जो AQI है वो लगातार 450 के पार ही बना हुआ है। स्मॉग की परत राजधानी के इलाकों में चढ़ी हुई है और परेशानी भी बढ़ गई है, और देश में पहले ही 18 करोड़ से ज्यादा गठिया के मरीज हैं, तो रिकॉर्ड की बात कर रहा हूँ, अनरिकॉर्डेड कितने होंगे कह नहीं सकते। ऐसे में अगर प्रदूषण जैसा दुश्मन बीमारी को और बढ़ाएगा तो लोगों का हाल कैसा होगा, आप अंदाजा लगाइए। लेकिन इसकी नौबत ही ना आए उसके लिए क्या करना है, ये बताने के लिए स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन जी, और देखो आप तो 10 तक ही रुक जाते हो, हम तो देखो 100 पर रुकते हैं। भुजंगासन भी 100 बार, और ये पुशअप दंड भी, ये भी 100 बार ऐसे, और फिर ये हनुमान दंड भी ऐसे 100 बार, ये तो होले होले भी ऐसे तेजी से करते हैं ना, तो हम तो 100 से पहले तो हमारी गिनती शुरू ही नहीं होती। और चाहे हरिद्वार में हो, चाहे NCR में हो, आज हम गुड़गांव के सेक्टर 15 के ही पतंजलि सेंटर में ऐसे ये, और ये हर दिन का कार्यक्रम है ये, तो देखो एक बार तो सुबह पूरी जान लगा करके, और ऐसे ये हम पूरे पुशअप ही नहीं, पूरे जबरदस्त दंड लगाते, दंड लगाओ। वैसे स्वामी जी ये स्टोर आपको काफी पसंद आ गया, बढ़ाओ ऐसे पूरा। और ये स्टोर देख के स्वामी जी मुझे भी याद आ रहा है कि मेरा भी गला थोड़ा सा आज ठीक नहीं है, एक चीज यहाँ पर है इस स्टोर में जो मेरे गले को राहत दे सकती है। बहरहाल स्वामी जी देखिए, दिल्ली NCR की जो हवा है ना वो लगातार खराब हो रही, लगातार जहरीली बनी हुई है। AQI 450 के या तो पार है या उसके आसपास ही टहल रहा है। शरीर में घुसते हुए प्रदूषण के कणों से आर्थराइटिस की बीमारी भी ट्रिगर हो रही है, और इसीलिए आज हमने सारा फोकस स्वामी जी हड्डियों पर रखा है, ताकि हड्डियां मजबूत हों और इस पोल्यूशन का असर हड्डियों पर ना पड़े, और आर्थराइटिस जैसी कोई चीज़ हड्डियों में हो ही ना तो ट्रिगर होने का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो ज़रा योग करते करते अब ज़रा हमें ये भी समझाइए, योग से भी हड्डियाँ मजबूत होंगी होंगी, हड्डियों को मजबूत करने के लिए क्या क्या किया जाए? तो हड्डियों को मजबूत करने के लिए जो समर्थ है वो एक बार सुबह सुबह दौड़ लगा ले। जो बड़े बुजुर्ग हैं वो सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करने, जैसे अनुलोम विलोम हमारे यहाँ पर
जो डॉक्टर बहन है ज्योत्सना जी, हमारे आरपी सिंह जी, कपाल भाती अनुरूम विलोम में लगे और ये सूक्ष्म में आए हम, ये सूक्ष्म में आए हम और जो ऐसे ये अभ्यास ना ऐसे बैठ करके हम कितने इजी हो जाते, देखो ऐसे 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 ये सूक्ष्म मैम एक एक हम 100-100 बार करा देते हैं। मैंने जिनके हाथ टेढ़े मेढ़े थे ना उनको 100-100 बार ऐसे सूक्ष्म मैम कराया, जिनको कोहनियों में दर्द था, टेनिस एल्बो, जिनको फ्रोजन शोल्डर थे, 100-100 बार ये अभ्यास कराया और ऐसे 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 ये सूक्ष्म व्यायाम प्राणायाम करें, हल्दी मेथी सोंठ का पाउडर अश्वगंधा शतावर और मिला दे तो और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। दूध में हल्दी ले और लाक्षादी गूगल लेने तो फोलादी हो जाती है हड्डियां, जैसे आपने हमको देखा है तो मुक्तर के साथ, मोगरी के साथ 20-20 किलो के जो है वो मुक्तर मोगरिया हम अपनी भुजाओं पर ऐसे खटाखट डाल करके और ये हम गुरुकुल के समय से करते रहे हैं। तो आपकी जब हड्डियां फौलादी होती हैं, अस्मा भव तो नस्रो वज्र जैसा होना चाहिए अपना शरीर, तो एक तो ये सूक्ष्म व्यायाम करें, प्राणायाम करें। दही छाछ नींबू चार टमाटर खट्टी चीजें बड़ी खतरनाक है, बात खटाई में पड़ जाती है यदि जोड़ों में दर्द हो और हम खटाई खा ले तो। इसलिए हम यद्यपि आंवला एलोवेरा का जूस और ये जो सब पूरा ताना बाना आप यहाँ पर देख रहे हो, ये सब कुछ बहुत कुछ हम कहते हैं कि भाई अपनी प्रकृति के अनुसार लेकिन खाओ, सब चीज़ें सबके खाने के लिए नहीं है। हम तो आंवला भी बंद कर देते हैं अर्थराइटिस में, दही छाछ नींबू अचार टमाटर की तो बात दूर की रही। तो जोड़ों के दर्द वालों को खट्टी चीजों से बचना चाहिए एक बार, और बहुत भारी भरकम छोले भटूरे जैसे पराठे भी, अरे खाली पेट घी या मक्खन खा लो या रोटी पर या सब्जी में दाल में डाल के घी खा लो, वो आपके हड्डियों के लिए अच्छा है। खाली पेट वर्जिन कोकोनट ऑयल ले लो, लेकिन जो है तिल का तेल बड़ा जबरदस्त है, ये भी खाली पेट ले सकते हैं लंबे लंबे श्वासों के साथ, लेकिन खट्टी चीजें भारी भरकम चीजों से बचना पड़ेगा। स्वामी जी हमने आपको अर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा उपाय मैंने कई बार बताया है, एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना। जी मेरे भाई, स्वामी जी हमने आपको मुग्धर घुमाते देखा है, हमने आपको घोड़ा दौड़ाते देखा है, हमने आपको बाइक चलाते देखा, हमने आपको बड़ी बड़ी गाड़ियां चलाते देखा, हमने आपको कड़कड़ाती सर्दी में बगैर कपड़ों के देखा, कम से कम कपड़ों में लिबास में देखा, और चिलचिलाती गर्मी में भी हमने आपको इसी तरीके से पाया। आप इतने मजबूत हैं, लेकिन आपके साथ काम करके हम भी लोग इतने मजबूत हो गए कि हम सीने की पसलियों से मैंने अपनी स्टेयरिंग गाड़ी की तोड़ दी थी एक दफ़ा, तो हड्डियां ऐसी हमने भी मजबूत कर ली आपके साथ काम करते करते, रोज़ाना सुबह आपके साथ होती है। तो स्वामी जी ऐसे ही सबकी हड्डियां मजबूत होनी, हालांकि किसी को स्टेयरिंग तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से गाड़ी चलाया कीजिए आप सब लोग। स्वामी जी देखिए, देश में 18 करोड़ से ज़्यादा लोग हड्डियों की बीमारी से जूझ रहे हैं इस वक्त, और सिर्फ हड्डियां ही नहीं, उन पर और दूसरी बहुत सारी बीमारियों का खतरा भी मंडरा रहा है। तो आखिर इतनी बड़ी तादाद में लोगों की हड्डियां कमज़ोर क्यों हो रही हैं, जबकि माँ बाप अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर खाना खिलाने की कोशिश करते हैं, अच्छे से अच्छी ग़िज़ा दे रहे हैं, फिर ये कहाँ गड़बड़ हो रहा है स्वामी जी? ये हड्डियां कमज़ोर इसलिए हो रही है हुसैन जी, जी ज्योत्सना जी देखो जी। ये जो जंक फूड खा रहे हैं ना बच्चे, जिनमें बहुत ज़्यादा खट्टी तीखे एसिडिक फूड बहुत ज़्यादा खाया जा रहा है, जितना भी एसिडिक फूड है यह हमारी हड्डियों को कमजोर बना रहा है। जंक फूड से अमेरिका के ट्रंप के अभी नए 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 नवेले स्वास्थ्य मंत्री बने, उन्होंने स्टेटमेंट दिया, कल का ही अखबार में पढ़ रहा था, वैसे मैं अखबार पढ़ता नहीं हूँ, उसके जो कुछ कुछ मुख्य कटिंग हमारे भाई राकेश जी मेरे पास भेज देते हैं उतना ही पढ़ता हूँ, कौन अखबार चाटे से बस आप काम से तो फुर्सत आपके पास वक्त नहीं होता, इसीलिए स्वामी जी हमने स्पीड न्यूज़ भी शुरू कर रखा है। ट्रंप के हेल्थ मिनिस्टर ने कहा स्पीड न्यूज़ लगाई खट सकते, इंडिया टीवी तो मैं देखता हूँ, ये बात तो सच है।
स्वामी जी, लेकिन अपडेट हाँ, वो सुपर फास्ट वाला है ना, वो बड़ा जोरदार है। और आज की बात शाम को, हाँ वो मेरे पास सोर्स है ना, इंडिया टीवी उसका सोर्स है, भाई हमारे भाई राकेश जी उसके सोर्स है, और लंबे लंबे श्वासों के साथ। तो हेल्थ मिनिस्टर कह रहे हैं जंक फूड, बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब हेल्थ के लिए पॉइजन है, जहर है। लो लंबे लंबे श्वासों के साथ, ये हम इसलिए बता रहे हैं कि 33 के 33 अंग, जो मेन 33 हमारे ऑर्गन्स और 33 के 33 वर्टिब्रा, उनमें भी वात का असर हो जाता है, वो ना हो। तो ये जितना भी एसिडिक फूड है, अब एसिडिक बॉडी को अल्कलाइन करने के लिए हम लौकी है, पेठा है, वेजिटेबल जूस है, एलोवेरा, जैसे हमें बता रहा था ना, एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निगुंडी, सहजने का रस है, ये सब पिलाते हैं, मेथी का पानी, अंकुरित मेथी खिलाते हैं, हल्दी, मेथी, सूट, सुरंजान, अश्वगंधा का पाउडर खिलाते हैं, अश्वगंधा, शतावर, सुरंजान, हल्दी, मेथी, सोट, वातारी, चूर्ण भी हम उसी के लिए देते हैं, पीडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिट रेडीमेड, ज़्यादा हड्डियाँ कमजोर जाए तो मैं कहा दूध में हल्दी, शिलाजीत और लाक्षा, देखो गल लेने से तो हड्डियाँ बहुत ही मजबूत हो जाती। एक तो जंक फूड, दूसरा बहुत ज़्यादा उत्तेजक आहार के साथ उत्तेजक जो विचार है वो भी कमजोर बना रहे हड्डियों को, और लोग जो है ना प्रकृति से दूर भाग रहे हैं। 50-80% लोगों को विटामिन डी की, B12 की, कैल्शियम की, फास्फोरस की, प्रोटीन की, ओमेगा की और छोटे छोटे न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी है। तो सूरज की धूप, अब तो दिल्ली वालों और एनसीआर वालों से लेकर के जो बहुत से लोगों के लिए धूप भी पूरी ठीक से नसीब नहीं होगी, कहीं कोहरा और कोहरा और पोल्यूशन की डबर मार पड़ जाए तो फिर सूर्य दर्शन भी दुर्लभ हो जाता है। तो ये जो डेफिशिएंसीज हैं, मिलेट्स लोगों ने कम कर दिए, गेहूं चावल ज़्यादा खाना कर दिए, गेहूं चावल बंद कर दो आधी समस्याओं का, तुम्हें 90% समस्याओं का समाधान तो ऐसे ही हो जाएगा। मिलेट्स खाओ लोग, जिस किसी को देखो गेहूं और चावल पर ही सोटा घूम रहा है, तो इससे थोड़ा सा लोगों को उभारना पड़ेगा। 10-10, 20-20 किलो की पैकेट आती है स्वामी जी, और सुबह शाम गूंधा जा रहा, खूब खत्म भी जल्दी हो जाते हैं, पराठे बन रहे हैं उसके बाद फिर बहरा। अच्छा स्वामी जी देखिए, बहुत कम उम्र में, बिल्कुल अभी युवा हैं, नौजवान हैं, और घुटने खराब कर लिए, ये वाकई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान एक यंग देश कहा जाता है और यही हमारी ताकत है। तो स्वामी जी, ज्यादातर यंगस्टर्स ज्वाइंट की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, जो बुढ़ापे में लोगों को होती थी परेशानी, अब इस उम्र में अगर चलना फिरना किसी का मुहाल हो जाए तो सोचिए फिर मुल्क कैसे तरक्की करेगा। तो योग उनकी कैसे मदद कर सकता है स्वामी जी, क्या वो अपने लाइफ में चेंज लाएं कि जो यंगस्टर्स हैं हमारे वो जोड़ों के दर्द से कम निजात पा लें। अब जो पुराने जमाने के लोग हैं, अब जैसे हमारे जैन साहब के गोडे तो ठीक है, इसलिए अपने बॉडी का लोड लेकर के खड़े हुए हैं, नहीं तो लोग लचर पचर हो जाते हैं। अब वज्रासन में कहाँ बैठ पाएंगे, पद्मासन में बैठे तो उनके घुटने ही डिसलोकेट हो जाते हैं, और मैं ब्रह्मचर्य आसन में बैठने के लिए यूँ कहूँ कि एड़ियाँ पंजे बाहर निकाल दो और ऐसे बाहर की तरफ पंजा अंदर की तरफ ऐसे एड़ी कर डालो, तो इसमें तो बहुतों के फ्यूज उड़ जाएंगे। ऐसे बैठने के लिए बोला और पता लगा अरे तो घुटने ही डिसलोकेट हो गए, तो क्या करें। तो एक तो घुटनों के लिए देखो ये एक्सरसाइज है, ये ऐसे ऐसे, और हर दिन हम दंड बैठक बताते हैं ना, दंड तो लगा ली थी, ये जो बैठक लगाते हैं ना ये इसीलिए लगाते हैं, ऐसे 10 बार से शुरू करें, कम से कम 10 बार तो रोज करें ऐसे। और पहले कोई भी बैठक सब लगाया करते थे, दंड बैठक लगाओ, ठंड भगाओ, बल बढ़ाओ, ये और कोई भी स्वामी जी के घुटनों को नजर नहीं लगाएगा। एक ये भी अभ्यास है ऐसे, ये अरे इतने बावड़े लोग हैं, कुछ ने तो बोला बाबा ने अपने घुटनों का ऑपरेशन करवाया वो भी जर्मनी में जा करके और बोले बाबा जी नोली कर रहे थे, आंत उलझ गई अमेरिका में जा करके, और पेट का ऑपरेशन करा, एक बार मेरा हार्ट का भी करा अमेरिका में, कहां ऑपरेशन भाई बता दो तो बोले हाथी उलझ गई। तो ये मकरासन, ये अभी घुटने की कई अभ्यास मैंने बता दिए ऐसे बातों बातों में,
ये भी अभ्यास बड़ा अच्छा है। फिर ऐसे घुटनों को खींचना और ढीला छोड़ना, देखो ऐसे, ये बिल्कुल सिंपल है, ऐसे घुटने खींचे ढीले छोड़े, ऐसे, ये ऐसे। और जो है गोंद के लड्डू खाओ भाई, माने मारी मां ने वो गोंद के लड्डू बना के बचपन में खिलाए थे, गोड्डे कमर सब हड्डियां एकदम फोला दिए। गोंद को जो गाय का घी रखा है ना दाई तरफ, गाय के घी को गर्म किया अच्छे से, उसे खोलता हुआ गाय का घी उसमें गोंद डाल दो, एक ही मिनट में फूल करके ऊपर आ जाता है। अब चाहे उसको आप लड्डू में डाल लो, बर्फी में डाल लो, हलवे में डाल लो, चाहे आप उसको थोड़ा ड्राई फ्रूट भून करके और उसी के अंदर मिक्स कर लो, चाहे पाउडर करके रख लो और गरम चाय में, गरम कॉफी में, सबसे अच्छा तो है दूध में, और वो भी गाय का दूध। हम गाय का दूध, घी आदि ये सब भी उपलब्ध कराते हैं जी। खरे भैंस का दूध पी पी करके भैंस जैसी पाड़े जैसी बुद्धि हो गई है लोगों की स्वामी जी। और ये भैंस का दूध वात रोगों को बढ़ाता है, गाय का दूध जो है गाय का बाछड़ू ऐसे फुदकता हुआ चलता है, और जो कटड़ा है पाड्डा है ना वो और यो चल है ये चाल से ही उसके हाल का पता लग जाता है। खैर, तो ये जो वात रोग है ना, इसके लिए बहुत जरूरी है, खास करके घुटनों के डिजनरेशन को रोकने के लिए, एक तो हम चले और हो सके तो मेरी तरह से दौड़ा करें। मैं रोज दौड़ लगाता हूँ, है ना, ठन दौड़ता हूँ घोड़े की तरह। दौड़ेंगे चलेंगे तो घुटने की परेशानी तो दूर होगी, जितना घुटनों से काम स्वामी जी, लोगों के घुटने खराब करने में कार्टिलेज घिसे नहीं, और घिसे भी हम ठीक कर देते हैं। श्रुतिका जी, ज्योत्सना जी, जी लेकिन स्वामी जी लोगों के घुटने खराब करने में सबसे बड़ा रोल ऑस्टियो अर्थराइटिस का भी है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसके मुताबिक अगले कुछ सालों में इस बीमारी के सबसे ज्यादा मरीज भारत में ही होंगे। ये बीमारी जॉइंट्स पर कैसे अटैक करती है और इसे कौन कौन से योगा अभ्यास से कंट्रोल किया जा सकता है स्वामी जी, उसके बारे में भी बताइए। ऑस्टियो अर्थराइटिस, एक तो भस्त्रिका भी करे पूरा। ऑस्टियो अर्थराइटिस ये आजकल यंग एज में भी हो रहा है स्वामी जी। अर्थराइटिस और ऑस्टियो अर्थराइटिस में फर्क क्या, जरा ये भी बता दीजिए। हड्डियों का अब ये अर्थराइटिस की कई ब्रांचेज है, एक में आरए बढ़ता है, एक में सीआरपी बढ़ता है, फिर एक में एनए एवीएन, एक में एचएलबी 27 बढ़ जाता है, एक में यूरिक एसिड बढ़ जाता है। तो ये जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है इसमें यूरिक एसिड बढ़ता है और फिर हड्डियों का पूरा मेटाबॉलिज्म गड़बड़ा जाता है, ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन गड़बड़ हो जाता है और हड्डियों में फिर डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो इसके लिए सबसे अच्छा है दूध में हल्दी, शिलाजीत, लाक्षादि गुग्गल, इससे ऑस्टियोब्लास्ट ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, हड्डियों के बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन अच्छा रहेगा। चंद्र प्रभावती और गोक्षरादि गुग्गल, ये तो बहुत ही जबरदस्त है, एक एक ले लें और हड्डियाँ इतनी जबरदस्त हो जाएंगी, ये जो जोड़ों में जो जाम हो जाते हैं धीरे धीरे करके, फिर सूजन भी आती है, इन्फ्लेमेशन भी बढ़ता है, उसके लिए पुनर्नवा का या पुनर्नवादी मंडूर का पुनर्ग्रिट का प्रयोग करवाते हैं। एक राजस्थान में मोथा घास होता है, गांठ होती है घास की जड़, मोथा घास खिला दो साहब, कितना ही भयंकर ऑस्टियोआर्थराइटिस हो, पूरे गोडे हाथ सारे जोड़ एकदम फर्स्ट क्लास। और हाँ, जिनको भी ये अर्थराइटिस है ना, वो चावल ना खाएं और कोशिश करें गेहूँ भी ना खाएं, गेहूँ की जगह चावल की जगह रागी बाजरा, कितने बढ़िया कोदोर पहाड़ में, ज्योत्सना जी बड़ा अच्छा है, पहले पहाड़ के लोगों को ये सब चीज़ इसलिए नहीं होती थी, कोदो खाया करते थे, चोलाई खाया करते थे, चोलाई बड़ी अच्छी, चोलाई मड़वा मड़वा बोलते हैं ये खाया करें, और खट्टी चीज़ें से तो जैसे मैंने बताया बचना ही पड़ेगा। और भस्त्रिका, कपालभाति, और जैसे सेक्टर 15 में गुड़गांव में पतंजलि मेगा स्टोर है, ऐसे सारे पतंजलि के 5,000 से ज्यादा स्टोर्स पर ये मड़ुआ, ये चोलाई, ये सिगाड़ा, ये रागी बाजरा और जवार आदि का, मिलेट्स का आटा हमने उपलब्ध कराया, नहीं तो लोगों को ये मिलेट्स भी और वो भी बिना केमिकल के
99% हमारी कोशिश रहती है ऑर्गेनिक, शुद्ध और सात्विक। हम आटा से लेकर के सारे आहार लिया करें, सात्विक आहार ना युक्त आहार, विहार से युक्त, चेष्ट से, कर्म से युक्त, स्वप्नावबोध से योगों को युक्त। फिजिकल बॉडी का स्ट्रक्चर है आहार, हमारा इमोशनल पूरा जो क्वेश्चन है उसका आधार है विचार। इसलिए मैं कहता हूँ एक कण भी गलत आहार का, एक क्षण भी गलत विचार और एक क्षण भी जीवन में प्रमाद, ये तीन चीज़ें हटा दीजिए, जीवन अपने आप ही दिव्य बन जाएगा, स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, सफल विजयी। स्वामी जी, इसी एक कण के चक्कर में सारा गड़बड़ झाला है, इसी कण के चक्कर में लोग भाग रहे हैं और यही कण जो है सारा नुकसान कर रहा है। बहरहाल बहरहाल स्वामी जी, पूरे शरीर से स्वामी जी, यार तो दिल्ली में तो धूल के कण और पोल्यूशन के कण और खतरनाक है, बहुत तरह के कण है स्वामी जी, भांति भांति के, इसीलिए कपाल भांति करना बहुत जरूरी है। स्वामी जी, पूरे शरीर से गठिया का अंत करने के साथ साथ शरीर के खास हिस्सों की अकड़न खत्म करना भी बहुत जरूरी है, उस पर भी हम जरा फोकस कर लेते। घुटनों की ठीक ठाक बात हमने कर ली है, ज्वाइंट्स की बात हो गई, लेकिन स्वामी जी बैक बोन जो है, स्पाइन की जो स्टिफनेस है, बहुत सारे लोगों की पीठ अकड़ी रहती है, तो ये उसको लचीला कैसे बनाया जाए, उसमें जो नेचुरल लचीलापन होता है वो कैसे फ्लेक्सिबिलिटी लाई जाए। कमर के लिए बेस्ट दो अभ्यास मैं बता देता हूं जो सब कर लेते हैं, उष्ट्रासन, अर्धउष्ट्रासन, चक्रासन, ये सब बताते हैं ना, कहां उठा पाएंगे लोग। पैर ऐसे, पहले तो लेट गए ऐसे सीधे, फिर दोनों हाथ कंधों के बराबर ऐसे फैला दिए, ऐसे मोड़ दिए, एक तरफ पैर दूसरी तरफ गर्दन, देखो ऐसे, ये ऐसे और ऐसे, ये मरकटासन, घुटने पंजे पास में, एक तरफ दूसरी तरफ, फिर ऐसे, फिर घुटने पंजों में फासला, ऐसे। ये दो अभ्यास भी कमर की किसी ने कर लिए ना, 100 साल तक कमर का कबाड़ा नहीं होगा, नहीं तो बहुत बखेड़ा हो रखा है। ये एक तो ये, और फिर देखो ये ऐसे पैर उठाए अपोजिट साइड के हाथ के पास ऐसे लेकर के गए, यू और ये यो, ऐसे ये, और थोड़ा कमर को और लचीला बनाना है तो बिना सिर उठाए ऐसे, ये कर लेते पवन मुक्तासन, और दूसरा ये भुजंगासन, ये प्रारंभ में मैं 100 बार किया था, ऐसे इंडिया टीवी पर करने से पहले भी मैं लगा हुआ था, मेरा 100 बार का नियम अलग से पूरा करना पड़ता है मेरे को, क्योंकि यहाँ तो बताने में उतना नहीं हो पाता जितना करना चाहिए, तो मेरे को 2 मिनट लगते हैं, धीरे धीरे करता हूँ, और जब फास्ट करता हूँ ऐसे तो जो है पूरा 1 मिनट में ऐसे भी कर देता हूँ 100 बार, ये ऐसे धीरे धीरे कर ले लोग, 2.5 से 5 मिनट में ही कर ले, वैसे 2.5 से 3 मिनट में तो मध्यम गति से करने पर भी हो जाता है, बहुत धीमी गति से करें वैसे, एक तो ये, और फिर इसमें तो घुटने और कमर दोनों का ही अभ्यास हो जाता है, और जो थोड़े समर्थ है और फ्लेक्सिबिलिटी है तो उष्ट्रासन भी साथ में ऐसे कर सकते हैं, ऐसे ये, और ये तो ऐसे भी खड़े खड़े भी ऐसे जो एंकरिंग कर रहे हैं, बीच में एड ब्रेक आया तो थोड़ा ऐसे पीछे झुक गए और बैलेंस अच्छा रहे, इसलिए बैकवर्ड बेंडिंग के साथ फॉरवर्ड बेंडिंग भी थोड़ा सा कर लिया, और थोड़ा पूरी स्ट्रेचिंग भी कर ली थोड़ा ऐसे, तो ये तो मुझे लगता है अपने वर्किंग प्लेसेस पर भी योग का ये अब सिलसिला शुरू होना चाहिए, नहीं तो हम लोग बोरा जाते हैं काम करते करते, बोरियत जो होती है ना उसको भी हम, देखो ये कितना अच्छा है कि हम जो है आधा ही घंटे बाद में जैसे ही 2-4-5 मिनट का गैप मिलता है थोड़ा लंबे श्वास ले लिया करें, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन कर लिया करें, थोड़ा ये अनुलोम विलोम तो बिना शोर शराबे के हो जाता है, इसलिए स्वामी जी मैं खामोशी से ये काम करता रहता हूं, करो सब बच्चे अनुलोम विलोम ही करो,
जसवंत जी, सुमन जी, ज्योत्सना जी, आरपी सिंह जी, सबका अनुलोम विलोम करो। हमारे जैन साहब भी लगे हैं खड़े खड़े, हाँ लगे रहो। लेकिन स्वामी जी, आप लोगों की हड्डियां इतनी मजबूत करा देंगे, घुटने पेन फ्री और तकलीफों से आज़ाद करा देंगे, सबके घुटने बहुत मजबूत हो जाएंगे, तो ये तमाम दुकानें खुली हुई स्वामी जी जहाँ पर घुटने बदले जाते हैं, छेनी हथौड़े से घुटना निकाला और दूसरा फिट कर दिया, तो स्वामी जी उन दुकानों का क्या होगा? अब देखिए 4 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जिन्हें तुरंत घुटनों को बदलवाने की ज़रूरत है, नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत है। तो स्वामी जी ऐसी नौबत अगर आ जाए किसी के पास, किसी की जिंदगी में, अब नहीं स्वामी जी बस जरा सा एक लाइन मेरी और ले लीजिए आप, कि किसी को अगर डॉक्टर ने कह दिया कि आपका नी रिप्लेसमेंट होना है, उसके बाद आपके पास क्या कोई ऑप्शन है कि उसका नी रिप्लेसमेंट ना करवाना पड़े? ये पूरी दुनिया में अभी तक भ्रांति रही है मेरे भाई हुसैन जी, जी, कि एक बार घुटनों के कार्टिलेज घिस गए, बोन्स में डिफॉर्मेशन चालू हो गया, तो डीजनरेट वे कार्टिलेज, डीजनरेट वे बोन्स, ऑस्टियोपेनिया, ऑस्टियोपोरोसिस, फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस की अभी हमने बात की, जॉइंट पेन, फिर इसके बड़ी भी स्टेजेस के अलग अलग नाम दे दो, RACRP ANA AVN HLB 27, जितने भी पेन मार्कर सही है, फिर बढ़ते चला जाते हैं, अलग अलग प्रकार के साइटोकाइंस के तूफान अंदर उठने लगते हैं। हमने साइंटिफिकली एनिमल ट्रायल से लेकर के ह्यूमन ट्रायल तक कि ये पूरा साइंटिफिक रिसर्च करके प्रमाणित किया कि घिसे हुए कार्टिलेज 7 से 15 दिन में, 1 से 2 सप्ताह में वापस आने शुरू हो जाते हैं, और 2 माह से लेकर के 80 साल तक की उम्र में, 6 माह तक में हमने घुटने रिपेयर किए, घिसे हुए कार्टिलेज, घिसी हुई हड्डियाँ वो दोबारा से रिजुविनेट होती हैं। यह प्रयोग हमने पेनानिल गोल्ड पर भी किया, ये प्रयोग हमने ऑर्थोग्रिप पर भी किया, ये प्रयोग हमने अश्वशिला पर भी किया, और ट्रेडिशनली जो हम योगराज महायोगराज गूगल देते उन पर भी किया, और जो लाक्षादी गूगल जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो ये मिथ फैलाया गया है कि एक बार डीजनरेट हो जाए घुटने, घुटनों के कार्टिलेज रिजुविनेट नहीं होते, एक बार डीजनरेट हो गया लीवर, किडनी, लंग, हार्ट, ब्रेन, पेनक्रियास, तो रिजुविनेट नहीं होता, स्किन सेल्स, अरे हमने सब किए, और उसके लिए लिवोग्रिड से लीवर के, रिनोग्रिड से किडनी के, प्रोस्टोग्रिड से प्रोस्टेट के, और संतति सुधा यौवनामृत से रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, मधुनाशिनी मधुग्रिड से पेनक्रियास के, श्वासारी ब्रोनकोम से लंग के, कार्डियोग्रिड हृदय में से, हार्ट के, थायरोग्रिड से, थायराइड के, आंखों के, आईग्रिड से, कान के, एयरग्रिड से, मस्तिष्क के, मेधावती मेमोरीग्रिड से, और जो है ये सारे सेल्स रिजुविनेट होते ही हमने साबित किया है पूरे रिसर्च एंड एविडेंस के साथ, 5000 से ज़्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल फॉलो करके, 500 से ज़्यादा रिसर्च पेपर, तो इंटरनेशनल जर्नल्स में जाए एलोपैथी वाले दम्ब भरते थे कि वी हैव रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन एंड ट्रीटमेंट। सो नाउ आई कैन से जो WHO पूरा वर्ल्ड का मेडिकल सिस्टम और डॉक्टर्स नहीं कर पाए, वो हमने आयुर्वेद से करके दिखाया है। वो कहते हैं डिजनरेशन को उनके कॉन्सेप्ट ही नहीं, और हम रिजुविनेशन करते, उनके यहाँ रिजुविनेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, डिजनरेट हो गए तो हो गए लो। तो ये बहुत सारी भ्रांतियां एक ही लाइन में मैंने साफ कर दी है, बात मिथ है, संशय भ्रम उलझन गफलत में ही जमाना लुट रहा है, कटे जा रहे हैं, मिटे जा रहे हैं, लुटे जा रहे हैं, लुटना कटना मिटने जा रहे हैं। तो स्वामी जी बिल्कुल जाम सा घुटना लेकर के कोई जिसे नी रिप्लेसमेंट के लिए कह दिया है, वो आपके पास जब आता है कोई ऐसा मरीज, तो उसे कितने दिनों में आप उसका घुटना जो है वो बिल्कुल बढ़िया कर देते हैं? कितना दिन लगता है उसको? देखो पहले इसके ऊपर जारोबस्ती करते हैं, फिर इसमें एकोप्रेशर करते हैं, एकोपंचर करते हैं, फिर श्रृंगी करते हैं, 1 सप्ताह में हम उसका रिवर्सिंग कर देते हैं, रिवर्स गियर लग जाता है 1 सप्ताह में। वैसे तो 1 दिन में भी कई बार हम 10 साल का 20 साल का दर्द ठीक कर देते हैं, लेकिन मैं कहता हूँ 1 सप्ताह में रिवर्स गियर लग जाएगा, और 1-2 सप्ताह से लेकर के 1-2 माह में तो आदमी ऐसे घोड़े की तरह टना टन दौड़ेगा दमखम के साथ। तो उसके लिए औषधि का अनुपान, खान पान सब कुछ ठीक करते हैं, जैसे मैंने कहा ना विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि, ये सब फास्फोरस आदि की ये सब कमी, उसको भी ठीक करना पड़ता है, एक साथ कई चीज़ों को देखना पड़ता है, हम 10 दिशाओं से रोग को घेरते हैं, और तब जो है रोग की अंत्येष्टि करते हैं,
तब उसका इंतकाल करते हैं, मोक्ष करते हैं उसका। और वो घोड़े वाला हॉर्स पावर इंसानों में आ जाएगा अगर घुटने ठीक होंगे। स्वामी जी, अब शरीर के एक खास हिस्से की बात करते हैं, कोहनी की। कोहनी में अगर गठिया हो जाए तो हाथ को मोड़ना, सीधे करना सब कुछ मुश्किल हो जाता है। तो स्वामी जी, कोहनी का मूवमेंट नॉर्मल रहे, उसमें गठिया की कोई समस्या ना हो, उसके लिए क्या क्या किया जा सकता है? एक तो ये अभ्यास तो करवाते ही है, कोहनी में एक्यूप्रेशर करते हैं, पीछे के जो चैनल है ना, ये मैंने पहले भी कई बार बताया, एक बार फिर दोहरा जाता हूँ, ये चैनल पीछे के ये दबाते हैं, एक्यूप्रेशर कराते हैं, इसमें हम जो है लीच करवा देते हैं, इसमें श्रृंगी करवा देते हैं, ओजोन थेरेपी भी कराते हैं, फिर हम जो है इसकी पेडानिल तेल से ऐसे गर्म गर्म उससे तेल से मसाज भी करते हैं, खट्टी चीज़ें खाने के बंद करा देते हैं, अंदर का इन्फ्लेमेशन उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं, और अंदर जो चीज़ बढ़ी भी ना तो गोखरू गिलोय आदि पिला करके सारे टॉक्सिन्स को भी निकाल देते हैं, ये अभ्यास भी थोड़ा करवाते हैं। और आपने कोहनी का पूछा मैं कंधे तक के भी, या फिर दो श्रृंगी यहाँ लगा देते हैं, और ये कोहनी का दर्द, कंधे का दर्द फ्रोजन शोल्डर बहुत पीड़ा देता है, टेनिस एल्बो एंड फ्रोजन शोल्डर, तो इन दोनों को ही, इन दोनों अभ्यासों से हम हील कर देते हैं बड़े ज़बरदस्त। कोहनी ठीक हो गई है मतलब हाथ मुड़ेंगे, और अगर किसी को मारनी है कोहनी तो भी काम आएगा। बहुत जरूरी है कोहनी का ठीक होना। स्वामी जी अक्सर भीड़ में गिर जाते होंगे, अक्सर हम लोगों को भी कहीं कहीं जरूरत पड़ जाती है स्वामी जी, और कोहनी की हड्डी इसलिए अल्लाह मियां ने बड़ी मजबूत भी बनाई हुई है। जी ये बात तो ठीक कही आपने, हर चीज हमारी स्वस्थ भी रहनी चाहिए, और हम शरीर को हथियार की तौर पर यूज करते हैं तो उसे किसी का नुकसान नहीं होता और दूसरों की मार से हम बच जाते हैं। सेल्फ डिफेंस का मामला है। एक चीज और स्वामी जी, लोगों को बड़ा परेशान कर रही है, और कब ये खामोशी से बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर बढ़ने लगती है पता भी नहीं चलता, और उसका नाम है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जब बढ़ती है तो हड्डियों में तकलीफ शुरू होती है, तो स्वामी जी कैसे पता चलेगा कि दर्द आर्थराइटिस की वजह से हो रहा है या यूरिक एसिड बढ़ गया? इसके लिए तो फिर जांच करवाने जाना पड़ेगा, तब पता चलेगा कि कौन सा मार्कर बढ़ा हुआ है, या कोई और तरीका भी है? अरे यूरिक एसिड के सीधे तीन लक्षण हैं। एक तो जब अचानक आपकी कलाई, कोहनी, कंधे, घुटने या कमर जाम हो जाए, और वहाँ पर साथ में थोड़ी सूजन भी आ जाए, और फिर उस कई बार सामान्य सूजन होती है तो पानी में थोड़ा सा नमक डाला, थोड़ा सा अरेंड या ऐसे अमरबेल, आखा, धतूरा आदि, निरगुंडी, इसको डाल करके और सिकाई करते तो निकल जाता है। जब वो सिकाई करने पर भी दर्द नहीं जा रहा, मलहम आदि और कई प्रकार के बाम आदि सब लगाते तब भी दर्द नहीं जा रहा, तो समझ लेना ये यूरिक एसिड बढ़ गया है। और फिर एकदम ऐसे ही पूरा शरीर हिलाने डुलाने में भी दिक्कत होने लगती है। एलोपैथी में इसके लिए कोई दवाई नहीं है, सच्ची बोल रहा हूँ आपको, मैंने अंदर के यूरिक एसिड को निकालने का, शुद्धिकरण का कोई प्रोसेस ही नहीं है। तो हमारे पास है गोखरू, गोखरू पिलाओ और यूरिक एसिड पूरा घटाओ, भगाओ, मिटाओ, बहुत ज़बरदस्त। और रेडीमेड में है ट्राइगन, गोखरू के साथ धनिया और पिला देते हैं, ट्राइगन और कोरीघन, और ट्रेडिशनल चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गोकुल। आपको याद होगा लगभग दो एक साल पहले हमारा डॉक्टर अनुराग जो पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन का मुख्य साइंटिस्ट है, उसी का यूरिक एसिड बढ़ गया, एक सप्ताह चंद्र प्रभावटी और गोक्षरादि गोकुल। ये हमारे पतंजलि स्टोर हम इसीलिए खोले हुए हैं कि सबको रेडीमेड हम ये चीज़ें दे देते हैं, तो कौन घर में कितनी चीज़ें कर पाएगा, सब कर भी नहीं पाते, तो चंद्र प्रभा और गोक्षर आदि। स्वामी जी देखिए, कूल्हे में अगर किसी के कूल्हे में गठिया हो गई तो जिंदगी उसकी अजीरन हो जाती है, मतलब बहुत मुश्किल होती है, क्योंकि उठना बैठना और पैर का मूवमेंट बिल्कुल से, कमर के पास से लॉक हो जाता है सब। तो हिप्स में स्वामी जी, कूल्हे के दर्द के लिए एकदम सिंपल अभ्यास बता रहा हूं, देखो ऐसे ऐसे, देखो इसका मूवमेंट कूल्हे तक हो रहा है, ऐसे ऐसे ऐसी भी ना कर पाए तो देखो
ऐसे और ऐसे, ये तो कितना आसान है, ऐसे इससे ये, और फिर हम जो लेट करके ये अभ्यास कराते हैं, ये थाई प्रोडक्ट सिप्स को तो अच्छा करता ही है, कोले के लिए इससे बढ़िया कोई व्यायाम नहीं, ऐसे ये पादवृत्तासन, वेट कम करने के लिए भी हम करवाते हैं, ये डेली के अभ्यासों में हमने समृद्ध किया हुआ है, बहुत है उनके जब ऐसे पैर घुमाते हैं ना तो कूल्हे में खट खट की आवाज होती हो, ऐसे ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, और फिर थोड़ा बहुत ये भी कर ले क्या, तो देखो ये तीन अभ्यास, अर्धहलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, वेट तो घटाएंगे ही, ये आपके कूल्हे की हड्डी को भी 100 साल तक अच्छे रहेंगे, और जो है 100 साल तक आपका शरीर आपका साथ देगा, कूल्हे भी, घुटने भी, लिवर, किडनी, हार्ट, ब्रेन, कुछ भी आपको धोखा नहीं देगा, दूसरों की धोखे दगेबाजी से तो फिर भी आदमी होशियार हो जाता है, संभल जाता है, लड़ भी लेता है, अपना ही शरीर, अपनी इंद्रियां, अपना ही मन धोखा देने लगे तब क्या करेंगे, इसलिए जो योग करेंगे वो खुद भी धोखा नहीं खाएंगे और दूसरों को भी धोखा नहीं देंगे, बल्कि खुद को और सबको आगे बढ़ने का मौका देंगे। स्वामी जी, लोग बाजार में घूमते घूमते हर एक ठेले वाले से कहते हैं ठीक ठीक लगा लो, अपनी सेहत के साथ भी अगर ज़रा सा वो ये वाला काम कर लें कि ठीक ठीक लगा लें, थोड़ा सा टाइम को भी ठीक ठीक लगा लें, तो बहुत सारी परेशानियों से बच जाएं। लेकिन सिर्फ सब्जियां ख़रीदते वक्त ये ठीक ठीक लगाने वाला मामला चलता है, ये भी ठीक नहीं है। खैर स्वामी जी, हड्डियों के लिए स्वामी जी, हड्डियों के लिए बहुत सारा योगाभ्यास हमने कर लिया, अब ज़रा प्राणायाम का एक सेशन करवाइए और ज़रा ये भी बताइए कि प्राणायाम हड्डियों के लिए कैसे बेहतर है, कैसे हड्डियों को फायदा पहुंचाता है। 2400 किलोमीटर लंबा हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक और उसके साथ जुड़ा हुआ 1,00,000 किलोमीटर लंबा सर्कुलेटरी ट्रैक, उसके साथ जुड़े हुए हमारे सारे ज्वाइंट्स, उसके साथ जुड़ा हुआ पूरा ब्रेन नर्वस सिस्टम। तो जब हमारे पूरे शरीर के अंदर खून का संचरण और उस खून के अंदर सारे विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि, उसके हम कहते हैं धूप में भी बैठा करो, वो जरूरी है, धूप में बैठ करके ये कर लेना, और केमिकल एनिमल बेस्ड जो है न्यूट्रास्यूटिकल नहीं खाना, वो भी हमने नेचुरल प्लांट बेस्ड ऑर्गेनिक बायोफर्मेंटेड उपलब्ध करा दी, उनका सेवन कर लेना जिनको ये डेफिशिएंसीज हो। लंबा गहरा श्वास भरते हैं ना, इससे पूरे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है, एनर्जी का फ्लो अच्छा हो जाता है, तो पूरे शरीर की 37 ट्रिलियन सेल्स तक आपको ऊर्जा का, शक्ति का संचार करना है, शक्ति को पहुंचाना है, तो बसरे का 5 मिनट अवश्य करें, फिर कपालभाति, ये अंदर लीवर, किडनी, अब जो भी खाते हैं वो आंतों से एब्जॉर्ब होता, अवशोषित होता और लीवर से पूरे शरीर में पहुंचता है, आंतें और लीवर गड़बड़ होंगे तो फिर पूरे शरीर को पोषण नहीं मिलेगा, फिर कहेंगे इस चीज़ की कमी होगी, उस चीज़ की कमी होगी, डेफिशिएंसी हो गई, फिजिकल डेफिशिएंसी और इमोशनल डेफिशिएंसी भी बड़ी खतरनाक होती है, तो फिजिकल डेफिशिएंसी कपालभाति से, इमोशनल डेफिशिएंसी अनुलोम विलोम से दूर हो जाती है, और ये सर्व रोग निवारक योग है, ये सर्व रोग निवारक प्राणायाम, प्राण तो सबसे बड़ी औषधि है, ऋग्वेद में, अथर्वेद में सब जगह कहा, अवातवा ही भेषजम विवातवा ही यद्रपा त्वम ही विश्व भेषज, विश्व कहते हैं संपूर्ण को, भेषज कहते हैं उसे, प्राण इज ए कंप्लीट मेडिकेशन फॉर ऑल एंड फ्री फॉर ऑल, बस ये ठीक है, थोड़ा NCR वालों को ये थोड़ा प्रदूषित मिलता है तो भी उसी में से ही उसको छान छोड़ करके हमें के ठीक कर लेना। चलिए स्वामी जी, प्राणायाम की जिम्मेदारी ज्योत्सना श्रुतिका के हवाले और दर्शकों के हवाले करते हुए हम जरा आगे बढ़ते हैं, आप जरा अपना धनुष उठाइए और एक राम बाण निकालिए और जरा आप ये बताइए कि आज क्या खास है रामदेव के राम बाण। देखो आज हमने ये एकदम इजी टास्क चुना है, तो ये हड्डियों की मजबूती के लिए सबके घरों में आप फ्रेश हल्दी लिया करें, थोड़ा
कूट पीट लिया करें, हाथ भी मजबूत रहेंगे। बस दूसरों को कूटना पीटना नहीं, औषधि कूटना पीटना। तो ये हल्दी हमने कूट ली, हल्दी को कूट लिया, इसमें कमरक को डाल दिया। हल्दी और कमरक का जो पाउडर है वो हमने कूट लिया और इसको एक चम्मच पाउडर ऐसे दूध में मिला दिया। और इस दूध को पिएंगे तो हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगे। और ज़्यादा मजबूत बनानी है तो 1 ग्राम अश्वगंधा, 1 ग्राम शतावर और 1-2 बूंद जो है वो शिलाजीत की ओर डाल दो। इतनी ज़बरदस्त फौलादी हड्डियाँ हो जाएंगी कि जिंदगी भर हड्डियों की तरफ से आप निश्चिंत रहेंगे। क्या बात। दूध में हल्दी, शिलाजीत, दूध में कमरक, दूध के अंदर गोंद और साथ में लाक्षादी ले लिया, फिर तो क्या घोड़े से भी तेज दौड़ेंगे। गूगल पे उपाय मत ढूंढिए, उपाय स्वामी जी से जानिए। बहरहाल स्वामी जी, अब घड़ी की सुई कह रही है कि योग पंचायत लगाने का वक्त हो गया। वो बहुत जरूरी है स्वामी जी। योग पंचायत का जो आपने चैलेंज दिया था वो बहुत सारे लोगों ने उसके उससे जुड़े वीडियोस हम तक पहुंचाए। कुछ चुनिंदा वीडियोस आपको दिखाते हैं, फिर आपकी मुलाकात बेस्ट वीडियो जो है वो भी आपको दिखाएंगे। स्वामी जी, अब बेस्ट वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं, ये हैं आज के विजेता। और इनके लिए जोरदार तालियां स्वामी जी। अभिनंदन है, चलो एक बार जोरदार तालियां हो जाए। तालियां मेरी तरफ से भी, चोपड़ा जी की तरफ से भी, पतंजलि की तरफ से भी, पूरे हिंदुस्तान की तरफ से। ऐसे ही योग का ये जलवा आगे बढ़ता रहे और लगे हाथ कल का भी चैलेंज दे ही देते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल इजी चैलेंज दे रहा हूँ आज, और ये तो सभी कर सकते हैं। कैसे करना है ये, 1-2-3 ऐसे। तो बहुत फास्ट करेंगे ना तो थोड़ा सा दिक्कत आएगी, इसलिए धीरे धीरे कर लें हम। 10 सेकेंड में ये 10 बार करने का चैलेंज दे रहे हैं, इसको मिश्रदंड कहते हैं। ऐसे ये तो सभी कर लेंगे। नीचे पूरे जाना, ऊपर पूरे उठना, ये। और फास्ट करना चाहे तो ऐसे कर लेंगे, ये ऐसे। इससे दंड लगा करके ठंड भी भगाएंगे, बल भी बढ़ाएंगे, और आप इंडिया टीवी पर वीडियो भेज करके विजेता भी बन पाएंगे। तो चलिए, योग चैलेंज में मिश्र दंड का आपको चैलेंज मिला है। बस 5 या 5 से ज्यादा लोगों को शामिल होना है इसमें, और उसके बाद 10 सेकंड में 10 बार की कैपिंग स्वामी जी ने लगाई और वीडियो बनाई, हम तक पहुंचाई और स्वामी जी से इनाम पाई। इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है इंडिया टीवी पे आने का और स्वामी जी से इनाम भी पाने का। तो स्वामी जी, अब आपसे इजाजत लेने का वक्त भी हो रहा है। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। योग आयुर्वेद स्वदेशी अपनाए, देश को और अपने आप को मजबूत बनाए, मेरा भारत महान बनेगा। धन्यवाद। प्रणाम।